एक बारी चार मित्र थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। चारों में अच्छी दोस्ती थी। चारों ने एक दिन विचार किया, भाई घर पे तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि पिकनिक पे चलें। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। ध्यान से सुनना आपके मतलब की बात है, मौका चूकें तो क्या मिलता है। चारों घर से क्या ले गए, चावल, दूध, चीनी और एक खीर बनाने के लिए बर्तन। जंगल में जाकर के इन चारों ने खीर बनाई और खीर जब बन के तैयार हो गई, उसकी खुशबू बता रही थी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, खीर अगर स्वाद बनी हो तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही होती है। बनने के बाद में रह गई थोड़ी सी, खाने वाले चार हैं और खीर एक व्यक्ति के लायक है। चारों ने विचार किया, भाई यदि चारों खाएंगे तो एक को भी स्वाद नहीं आएगा, ऐसा करो इस खीर को एक व्यक्ति खाए और वो इसका सबको स्वाद बताए कैसी लगी। बोले सो तो ठीक है, लेकिन खाएगा कौन, इसका फैसला कैसे होगा। सुबह के आए हुए हैं जंगल में, भूख तो चारों को लगी है। एक बोला ऐसा करो भैया, इसको ना खीर को ढक के रख देते हैं और सो जाते हैं, रात में सपना देखेंगे खीर के बारे में सोच सोच करके, और सुबह सबका सपना सुनेंगे, जिसका सपना अच्छा होगा वो ये खीर खाएगा और इसका स्वाद सबको बताएगा। बोले ऐसा ही करो भैया। मुस्लिम, सिख और ईसाई लेटती नींद आई, क्योंकि सपना बड़ा देखना था, सारी रात देखना था और अच्छा सपना देखना था। इन तीनों को तो नींद आ गई, लेकिन बेचारा हिंदू फंस गया। अब आप खुद सोचो ना, हिंदू भूखा है, पास में खीर रखी हो, नींद आ जाएगी क्या। कोशिश तो बहुत करी बेचारे ने सोने की, बीच बीच में कोशिश करता सोने की, लेट जाता, लेकिन फिर उठता, खीर की तरफ देखता और फिर लेट जाता। आधे घंटे बाद फिर उठे, फिर खीर की तरफ देखे और फिर लेट जाए। ऐसे करते करते रात के 12 बज गए। बिल्कुल मजबूर हो गया बेचारा, आखिर में धीरे धीरे उठ करके सरक सरक के उस खीर के पास में पहुंचा। उसका ढक्कन खोला खीर का, सारी खीर चाटी। सारी खीर चाटने के बाद में फिर ढक्कन को ढक दिया और फिर आराम से सोया। सुबह सुबह मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों जगे, जगाओ इस हिंदू को, सपना सुनते हैं। हिंदू को जगाने लगे, खड़ा हो भाई सपना सुना। बोला आपस में सुना लो, आपस में सुना लो, खड़ा हो सपना सुना। भैया कमर टूट रही है। कमर टूट रही है, हाँ तुम ही सुना लो, आपस में कर लेना जो करना हो। अब इन तीनों ने कहा चलो हिंदू को बाद में जगाएंगे, आपस में सपना सुना लेते हैं। मुस्लिम बोला भाई मेरा सपना सुनो, मैं तो रात में मक्का मदीना गया और मैंने अल्लाह ताला के दर्शन किए, बहुत अच्छा सपना है इसका तो। सिख बोला मेरा, मैं तो रात स्वर्ग में पहुंच गया, गुरु नानक साहब के दर्शन किए, उनके पास बैठा रहा, उनसे बातें करके आया हूं। बोले सपना कम नहीं है इसका भी। ईसाई का और सुन लो। ईसाई बोला मैं तो ईसा मसीहा के साथ में था रात में, और स्वर्ग के 7 चक्कर लगाए मैंने, 7 परिक्रमा लगा के आया हूं स्वर्ग की। बोले जोरदार है सपना तो भाई इसका भी। अब तो इस हिंदू को जगाओ, फैसला हो जाए जो भी होना हो। तीनों ने हिंदू को पकड़ा और हिला दिया जोर से, खड़ा हो। अब जब जोर से हिला के खड़ा कर दिया तो हिंदू बैठ गया। बोले सपना सुना। बोला सुन लो सपना, मजबूर कर रहे तो सुन ही लो। बोले हाँ सुना। बोला आधी रात के बीच में आए हनुमत वीर, मारा मुक्का पीठ पे। बोले खा सारी खीर। भैया मजबूरी थी, खानी पड़ी, कमर दुख रही है अभी तक।
बोले अरे भले आदमी, तुम्हारे हिंदुओं के देवता हनुमान जी आए थे, हमें भी जगा लेता, हम भी देख लेते कैसे थे वो। बोला किसको जगाता? एक तो बैठा था मक्का मदीना में जाके, एक कह रहा मैं स्वर्ग में बैठा हुआ था, और तीसरा तो कह रहा मैं तो चक्कर काट के आया हूँ साथ, तुम तो यहाँ थे ही नहीं तो जगाता किसको। बोले आप बता क्या करें। बोला करना क्या, खीर मैंने चाट ली, बर्तन तुम धो लो, चलते हैं घर धो लो बर्तन। जो मौका चूक जाए उसे मिलते हैं बर्तन धोने को। फिर